नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आप सोच रहे होंगे कि हम छत पे क्या कर रहे हैं और छत पे जिन जो महिला हमारे बगल में है वो कौन है। तो मैं इनका थोड़े से शब्दों में परिचय करा दूं। तो ये है सुशीला देवी जी। और सुशीला देवी जी जो मछली होते हैं, मछली के ऊपर का जो चोटा जिसको बोलते हैं, जो स्क्रीन होता है, उसको ये इकट्ठा करती है और उसे विदेश भेज रही है। कैसे भेज रही है, क्या है उनका ये सफर, जानते हैं सुशीला जी से खुद। सुशीला जी, किसान तक में आपका स्वागत है। ये कैसे आया, ये करती क्या है मछली का? जो मछली का चोटा जो है ना, जो हर बाजार से 4-5 मार्केट से उठाते हैं, अपने पति उठाते थे, पति गुजर जाने के बाद बेटा के लेके कर रहे हैं, बेटा सब हेल्प देता है, बाजार से लाते हैं और घर में धो के सुखा के बोरा में पैक करते हैं 50 केजी तक, और अपने विदेश तक भेजते हैं। विदेश में कहाँ भेजते हैं? अपने कलकत्ता तक मेरा गाड़ी का किराया लगता है, भेज देते हैं, वहाँ से मेरा कंपनियाँ हालर करके विदेश भेज देते हैं। विदेश में कहाँ जाता है? विदेश जापान जाता है। तो जापान की कंपनी आपसे डायरेक्ट संपर्क में? जी, डायरेक्ट कर देता। आप यहाँ से बस जो है जहाज से जाता होगा ना, बड़े पानी वाले? जापान जहाज से जाता है चिंता। जापान वहाँ जाता है, जापान जहाज से हम भेजते हैं, ट्रक से। यहाँ से ट्रक से आप जब कोलकाता भेजती हैं, ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, वहाँ से फिर निकल जाता है। ये कैसे शुरू हुआ, कहानी क्या थी? ये हम लोग राजनीतिक में निकले हुए थे। अच्छा, राजनीति में निकली थी? जी। अच्छा, तो राजनीतिक में 10 साल रहे। क्या थी राजनीति में? क्या राजनीतिक में अपना बोला, लोग एकता रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो हम लोग भी सोचे, हमें सताता था बहुत लोग, तो सोचे कि रहेंगे तो बाल बच्चा को सुरक्षित रखेंगे, इसलिए बाल बच्चा को अपने सुरक्षित रखें। अच्छा, राजनीति से बाल बच्चा को सुरक्षित रखने का मतलब पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में आ गई? जी। चुनाव भी लड़ी थी? चुनाव नहीं लड़ते थे, किसी को जिताते थे। अच्छा, जो भी मेरा पार्षद है, जो मेरी है सहयोग से किंग मेकिंग वाला, पीछे वाला काम करती थी, जिताने वाला, चुनाव नहीं लड़ती? नहीं लड़ते। तो जापान वाली कंपनी से डायरेक्ट बातचीत? डायरेक्ट बात करते हैं, आते हैं। जापानी आता है? हाँ, नहीं आता है। जापानी नहीं आता है? जापानी नहीं बोलते? नहीं, हमारे बात समझते समझते वो भी समझे लगे। अच्छा, बिहारी समझ जाते हैं? जी, भोजपुरी भाषा बोलते समझ जाते हैं। पहले शुरू में। अच्छा, पैसा किसे आता है, अकाउंट में आता है? पैसा दूसरे को खाता में जाता था ना, तो बहुत रुला देता था, नहीं देता था। तो जापानी सर और डीपो सर, मनीष सर, मेरे डायरेक्ट करंट खाता खुलवा दिए, GST करवा दिए, सब मैं अपने करती हूँ, मेरे खाता में 2-3 दिन में पैसा चला। अरे, आप यहाँ से भेजती हैं, कलकत्ता पहुँचता होगा, कलकत्ता से वहाँ निकल जाता होगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है? नहीं, कलकत्ता से वहाँ गोदाम में उतर गया। कलकत्ता से तौला के उतर गोदाम में उतरेगा? कलकत्ता ही? हाँ, वहाँ से मेरे हिसाब किताब कर लेगा पैसा, और जो भी वहाँ माल कमेगा तो फिर हम हिसाब यहाँ से बना के देंगे GST से। अच्छा अच्छा, इस छोटे ने और इस बिजनेस से और क्या क्या किया आपने, घर मकान के अलावा और क्या कुछ है, और भी कुछ कई जमीन के कुछ? बिजनेस से खरीदे हैं, जमीन खरीदे हैं, घर बनाए हैं। जमीन कहाँ खरीदे? बाईपास में खरीदे हैं। बाईपास में जमीन इसी से खरीदे? जी। पहले वाले राजनीति वाले से ही बढ़िया है? जी, राजनीति में भी खरीदे एक जगह। अच्छा, उसके बाद जाए यहाँ से कमाए तो एक जगह दुनिया में। अच्छा, दुनिया में भी खरीदे राजनीति से, मतलब इस बिजनेस से जुड़ी? बिजनेस से खरीदे। राजनीति वाला से बढ़िया ये वाला, राजनीति वाला वो राजनीति में अच्छा है, झंडा झंडा धुआता है, सबको बल्ब देके अपने खा जाता है, नेता सब कुछ नहीं देता है, सबको बल्ब देके खा अपने अपने सब खा जाता, आपको नहीं देता, नहीं देता है। आखिरी सवाल, इसका उपयोग क्या होता है छोटा, कुछ बताएंगे कभी? वहाँ मेरा जापानी सर है ना, जो दवा को इस्तेमाल करते हैं, CC वाला दवा, टॉबलेट वाला दवा, हक्की वाला, हम लोग के मिला भी है, ला के भेजे भी है। किस चीज़ का था वो? वो दवा दिए थे हम लोग के पैर हाथ में, बहुत सुशीला जी दर्द करता है, भेज देंगे तो खाइएगा, तो खाए तो मेरा दर्द उर्द नहीं होता था, गैस था, भाग गया। और दूसरा फक्की भेजे तो नहीं खा पाए, पति मुझरा है जो उसी रखा हुआ, बोले फिर की फिर भेज दीजिए, तो बोले भेज देंगे। तो दवाई वही तमाम चीज़ों में उपयोग होता है। और सुशीला जी, जिस तरह से आप निर्भर बन रही हैं, वैसे आप भी बनिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका उपयोग नहीं, तो हर चीज़ का अपना उपयोग है, उसे कचरा मत समझिए, बल्कि उसका भी आप कमाई, उससे कमाई कर सकती हैं, और उसी का एक सफल उदाहरण सुशीला जी कर रही हैं। और बिहार की ये पहली इस तरह की महिला हैं जिन्होंने इस तरह का कारोबार शुरू किया है, और अब इनसे जुड़े हुए कई लोग इनसे जुड़ के अब इस कारोबार में कर रहे हैं, और अपने जीवन की गाड़ी, यानी कि आर्थिक स्थिति की जो गाड़ी, उसको बेहतर कर रहे हैं।
कहते कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।